I wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no. Assalamualaikum guys, welcome to my channel. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो guys, thumbnail जैसा कि आपने देख लिया है, माशाल्लाह अली भाई फ्रॉम गुजरात इस्लामाबाद आए हैं, तो हमें मौका मिला है इनके बाइक का रिव्यू करने का। वो सामने इनका GTO खड़ा हुआ है, वो जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये है जी यामा RX115। माशाल्लाह ब्रांड न्यू पार्ट्स में इन्होंने रीस्टोर किया है, और इसकी एक ट्रैक रेस भी फ्रेंडली करेंगे CG125 के साथ। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, वैसे तो ब्रांड न्यू है, लेकिन मैं आपको ज़रा क्लोज़अप शॉट्स में इसका आपको पूरा डिटेल रिव्यू दूंगा, और इंशाल्लाह इसका ऑनर्स रिव्यू भी करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये एक वैसे क्लोज़अप वीडियो है, इसके आपको सिर्फ मैं पार्ट्स सिखाऊंगा, तो प्लीज़ जज ना कीजिएगा नीचे कमेंट्स में कि आपको RX के बारे में कुछ नहीं पता। वो जो कुछ पता है वो ऑनर ही बताएंगे अपना। तो खैर, फ्रंट पे इसके हेडलाइट वगैरह इंडिकेटर्स जैपनीज़ लगे हुए हैं और ब्रांड न्यू लगे हुए हैं। उसके नीचे मोनोग्राम इसका ओरिजिनल मेड इन जापान लगा हुआ है RX का। फ्रंट शॉक्स पूरे इसके कंप्लीट, फोक्स इसके चेंज है, ब्रांड न्यू लगाए गए हैं RX के। फ्रंट मड गार्ड से लेकर बैक मड गार्ड इसका ब्रांड न्यू ओरिजिनल क्रोम में है। और फ्रंट डिस्क वगैरह देख सकते हैं, काफ़ी इसका बड़ा जो है प्लेट है, और रिम्स वगैरह भी बाइक के जेन्युइन है। मीटर की तरफ आए तो मीटर भी इसका ब्रांड न्यू लगाया गया था। 2017 में बाइक रिस्टोर हुआ था नॉर्मली, और उसके बाद कुछ टाइम पहले फिर से ब्रांड न्यू पार्ट्स में रिस्टोर हुआ है। असेंबलीज वगैरह लेटेस्ट मॉडल जो RX आए थे 2001-02 की, उसकी लगाई गई हैं, जिसमें आपको राइट तरफ किल स्विच मिलता है और डिस्क ब्रेक वगैरह, मिरर्स, काफ़ी इसका जो व्यू है बहुत अच्छा है। इग्निशन स्विच वगैरह इसका नया लगाया गया था, कीस आप इसकी देख सकते हैं, कोडिंग वाली है। और उसके अलावा हैंडल काफ़ी इसका कंफर्टेबल है। लेफ्ट साइड पे इसका आपको डिपर मिलता है, हाई लो मिलता है, और ये आई डोंट नो, हाँ ये वो है हेडलाइट, पार्किंग और ऑन वगैरह, ये ऑटो इंडिकेटर और नीचे हॉर्न। और उसके अलावा फ्यूल टैंक वगैरह इसका देख सकते हैं आप, काफ़ी खूबसूरत पेंट में इसका हुआ हुआ है, और ये मोनोग्राम जेन्युइन लगाए गए हैं, रिफ्लेक्टर्स, हॉर्न, टोटल ये बाइक जेन्युइन पार्ट्स में है। सीट भी इसकी ब्रांड न्यू लगाई गई थी। उसके अलावा इंजन की तरफ आए तो इसका जो हेड सिलेंडर है वो इसका RX 135 का है, कार्बोरेटर 115 का है, नीचे असेंबली जो है वो इसकी अपनी 115 की है। ये सिर्फ हेड सिलेंडर वगैरह 135 का, जो कि एक बूस्ट देता है बाइक को। टूल बॉक्स वगैरह इसका लगाया गया था ओरिजिनल ब्रांड न्यू, और एग्जॉस्ट इसका ब्रांड न्यू लगाया गया था। टोटली बाइक अपने ये ब्रांड न्यू पार्ट्स में, कोई इसकी चीज़ें खास क्रोम नहीं हुई भी। बाकी बैक टेल वगैरह काफ़ी खूबसूरत, एक बड़ी एक ब्यूटीफुल लुक इसकी है बाइक की, यानी ऐसे घोड़ा टाइप बाइक है। वो चेन कवर वगैरह और बैक शॉक्स, रे शॉक्स वगैरह इसके ब्रांड न्यू लगाए गए थे। हेलमेट लॉक वगैरह देख सकते हैं, तो इसका ऑनर्स रिव्यू भी हम करेंगे। तो ये सिर्फ एक वीडियो थी ताकि आप RX 115 देख सकें, यानी ब्रांड न्यू पार्ट्स में है ये, वन ऑफ पाकिस्तान है, यानी इस ब्रांड न्यू पार्ट्स में ऐसा RX कोई नहीं है। और माशाल्लाह क्या पिकअप, क्या इसका टॉर्क है, जो कि मेरे ख्याल से अनबीटेबल ही है। GTO के साथ इसका कंपैरिजन बनता भी है, नहीं भी बनता, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह मशीन्स हैं। इसका एनर्जी इंडक्शन सिस्टम आपको मैं दिखाऊँ, जिसको आम जुबान में लोग टर्बो कहते हैं। तो खैर, ये थी वीडियो आज की, और आपको मैं साउंड सुनाता हूँ, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो ये था इसका साउंड, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी इसकी विसलिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।